हेलो गाइस, वेलकम टू टेक वर्ल्ड। टेक वर्ल्ड में आपका स्वागत है। मैं दीपक चतुर्वेदी। एक सैमसंग मॉनिटर की बात करें, एक्चुअली मैंने बहुत सर्च किया। सर्च करने के बाद मेरे सामने आया सैमसंग T35F। काफ़ी तारीफ सुनी थी। अनबॉक्सिंग करें फिर देखेंगे क्या है क्या नहीं है। एक्चुअली गैमर ने भी मुझसे तारीफ़ की है कि काफ़ी अच्छा पैनल है इसका। दूसरी चीज़, व्यूज एंगल 176, मतलब आप ऊपर से देखें, नीचे से देखें, ताई से देखें, बाई से देखें, कोई डिफरेंट नहीं आता कलर में। कई मॉनिटर आपने देखा होगा कि आपने एंगल चेंज किया तो उसमें वाइटनेस आ जाती है या कलर डार्क हो जाते हैं, तो एटलीस्ट आपको मज़ा नहीं आता है। तो इसको ओपन करते हैं, देखते हैं क्या है क्या नहीं है, राइट। लेकिन इसकी अनबॉक्सिंग के लिए हमें इसकी कटाई की जरूरत पड़ेगी। इसमें क्या क्या है बॉक्स के ऊपर ही लिखा हुआ है। फर्स्ट नंबर, बॉर्डर लेस डिज़ाइन। इसमें बॉर्डर नहीं है, बिल्कुल लेस है। अभी देखते हैं इसको। सेकंड नंबर, फ्री स्टाइल। ये टेक्नोलॉजी है जो इसको यूज़ करते हैं इसमें। थर्ड नंबर है गेमिंग मोड, गेमर्स के लिए बहुत अच्छा है, राइट। एंड आइस सेविंग मोड, आइस आंखें बचेंगे। जो लोग चार चार पाँच पाँच घंटे करते हैं, इस मोड को चालू करें तो आंखें बचेंगी, राइट। अब इसको काटने के लिए हमें कटर की जरूरत पड़ेगी। कहाँ है कटर? दिस वन। ओपन। यार अमेजिंग। बॉक्स ओपन करते ही हमें सामने दिया हुआ है कि हम किस तरह से क्या क्या यूज़ करेंगे। एक्चुअली हम सबको पता है कि यूज़र मैनुअल कोई नहीं देखता है, तो सैमसंग वालों ने सोचा कि क्यों ना बॉक्स में ही दे दिया जाए। तो ये डिटेल कैसे क्या कनेक्ट करना है, वो सारी चीज़ें, और इस साइड तो वो सारी चीज़ें हैं जो मैं आपको दिखाऊंगा। सेकंड, इस साइड आपके बटन के बारे में है, इनपुट के बारे में है, पावर और फीचर्स के बारे में, इसमें आप क्या क्या कर सकते हैं। थर्ड वन है ना, इसमें एक खास बात है जो मैं आपको दिखाऊंगा। ये देखिए जिसकी मैं बात कर रहा था, ये कैसे कैसे कनेक्ट होने हैं। सेकंड, है ना, ये सारी चीज़ें दे रखी हैं कि हम बॉक्स के अंदर क्या क्या मिलेगा, कैसे कैसे कनेक्ट करना है इसके, ये कनेक्शन, राइट। थिंक करते हैं क्या क्या है बॉक्स के अंदर। ओपन किया, राइट। फर्स्ट नंबर, ये स्टैंड काफ़ी मजबूत है, सॉलिड सॉलिड बॉडी। इसमें क्या क्या है? पावर एडाप्टर, वायर एंड HDMI केबल। HDMI, इसकी लेंथ देखें जरा, काफ़ी है ना।
कंपनी वालों को पता है कि हम कितनी लेंथ तक यूज कर सकते हैं। इसकी लेंथ देखें, ये तो अभी एक ही पार्ट है, सेकंड पार्ट और दिखते हैं। काफी है ना? अपन अमेजिंग प्रोडक्ट पर पहुंचेंगे। इसके अंदर और क्या है? यूजर मैनुअल। जो आई थिंक बहुत कम लोग पढ़ते हैं, लेकिन जो लोग पढ़ते हैं बहुत अच्छा करते हैं कि डिटेल तो पता चल जाती है कि इसके बारे में क्या क्या है। एक कॉ वाओ, दिस इज अमेजिंग। ये अपना प्रोडक्ट है, स्टैंड का ही है, जिसको मूव कर सकते हैं। ये देखिए, अब हम जिसका वेट कर रहे थे वो चीज़ देखें, मॉनिटर। मॉनिटर फर्स्ट लुक राइट, वायरलेस जो इसमें लिखा था वही है, और साथ में ये पावर बटन जो मल्टी यूज है, इसी से आप वाइटनेस वगैरह सब कर सकते हैं। एक तरह से एक गेमिंग स्विच की तरह है, जो अप डाउन लेट अंदर एंड पावर का स्विच यहाँ पे लगाएंगे, पावर केबल और वीजीए केबल, जो वीजीए केबल यूज़ करते हैं वो यहाँ पे लगाएंगे, एचडीएमआई जो यहाँ से, इसमें एचडीएमआई भी है जिससे आपका जो फ्यूज़ है ना देखने का अल्टीमेट बहुत अच्छा हो जाता है राइट। अब इसको रख दें। अब इसके बाद अपन करेंगे स्टैंड लगाने की तैयारी। स्टैंड कैसे लगाते हैं? फर्स्ट रो बंद कर राइट। एक चीज तो मैं बताने भूल गया, इसमें तो नट दे रखे, वो कैकली दे रखे, देखे जो ये वाले छोटे छोटे से, ओके इनको लगाने के लिए स्क्रू ड्राइवर की जरूरत पड़ेगी, वो भी अभी करते हैं। पहले स्टैंड लगाएं, करने के लिए ये स्क्रू यहां लगेंगे स्टैंड को फिट करने के लिए। जैसे मैं कर रहा हूं वैसे ही करते हैं ना। ये हो गया हमारा मॉनिटर, इसको यहां से
ऐसे भी कर सकते हैं, जो एंगल आपका हो आप उसको यूज कर सकते हैं। देखिए कहीं से भी कोई प्रॉब्लम दिख रही है आपको? चलिए इसको पोस्ट करते हैं, मैं इसका एक साउंड चालू करता हूँ। इसका ओपन रेवोल्यूशन चेक करें, डिस्प्ले सेटिंग एंड एडवांस सेटिंग, ये हमारा कहाँ तक पहुँच गया है ये देखिए, 2028 2028 वाई 1152 कहाँ तक पहुँचा है। कलर मैनेजमेंट, चलिए इसको थोड़ा सा